आज मैं लस्सी की रेसिपी लेके आई हूँ, एकदम ही सरल और कम सामान से, और ये पीने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए बनाते हैं। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ नंदा। अपने YouTube चैनल नंदा की सीजी बस्तर रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लस्सी बनाने के लिए दही ले ली हूँ और ये मिट्टी के बर्तन में रखी हूँ जिससे ख़राब ना हो। और यहाँ पर देखिए, ये है चीनी आधी कटोरी जितना, बर्फ़ ले ली हूँ मैं, और थोड़े से मैं बादाम पिस्ता और इलायची ले ली हूँ काट करके, और इलायची को कूट कर ले ली हूँ। आप ड्राई फ्रूट में जो मर्जी आप वो ले सकते हो। यहाँ पर देखिए, दही बहुत ज़्यादा खट्टा था इसलिए मैं आधा गिलास जितना इसमें दूध मिला रही हूँ खट्टा कम करने के लिए। और आपका दही ज़्यादा खट्टा नहीं होगा तो आपको दूध मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो। और यहाँ पर मैं दाल घोटने की मदद से अच्छे से इसे घोट ले रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी में डाल करके भी एक बार दो बार चला सकते हो, उससे भी अच्छे से मिल जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से फेंट के तैयार कर ली हूँ। तो आइए बाकी की चीज़ें मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इलायची को कूट कर डाल रही हूँ, तो उसे डाल रही हूँ। आप पाउडर वाला भी डाल सकते हो, और चीनी आधी कटोरी जितना चीनी है इसे भी डाल दूँगी। और यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ डाल दूँगी ताकि हम तुरंत ही बना के पी सकें। तो इसे सब चीज़ों को अच्छे से मिलाने के लिए फिर से घोटने की मदद से अच्छे से घोट लूँगी मैं। और भी ठंडाई की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है, आइए ग्लास में निकाल लेती हूँ। तो देखिए ठंडा ठंडा हमारा लस्सी जो है बनके एकदम तैयार है। तो आप भी बनाइए, आपकी कैसी बनी मुझे कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो काट के रखी थी ना बादाम और पिस्ता, उसे भी ऊपर से डाल दूँगी। तो ड्राई फ्रूट में आप जो मर्जी वो डाल सकते हैं, जो भी आपके पास घर में मौजूद है वो डाल दीजिएगा। और ये पीने में बहुत ही अच्छी लगती है, और ठंडा ठंडा पीना तो सभी को पसंद होता है ना गर्मियों में, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है और सिंपल घर की चीज़ों से ही बनके रेडी हो जाती है। आप मेरी वीडियो को हमेशा देखते हैं और मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।